शिमला नगर निगम के शांति बिहार वार्ड में स्वागत गेट पर भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल लगाने का मामला गरमा गया है। नगर निगम के मासिक बैठक में शुक्रवार को कांग्रेस के पार्षदों ने इसको लेकर जमकर हंगामा किया। शांति बिहार वार्ड की पार्षद शारदा चौहान ने कहा कि उनके वार्ड में मनोनीत पार्षद द्वारा स्वागत गेट बनाया गया है, जिसमें भाजपा के पार्टी का चिन्ह कमल के फूल लगाए गए हैं, जबकि सरकारी संपत्ति में इस तरह के किसी भी पार्टी का चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने पार्टी के चिन्ह को उतारकर राष्ट्रीय ध्वज लगाने की मांग की है और यदि ये नहीं उतारा जाता है तो वे धरने पर बैठने से भी गुरेज नहीं करेंगी। वहीं कांग्रेस के पार्षद दिवाकर दत्त शर्मा ने कहा कि नगर निगम द्वारा हर वार्ड में प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं, लेकिन शांति बिहार वार्ड में इस प्रवेश द्वार में भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल के फूल लगाए गए हैं और इसके द्वारा लोगों को रिझाने की कोशिश भाजपा कर रही है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के महापौर इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। यदि ऐसी बात है तो इसके लिए कमेटी का गठन किया जाए, जो दौरा करें और देखें कि उस गेट में चुनाव भाजपा का चिन्ह कमल का फूल लगाया गया है या नहीं। वहीं नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि नगर निगम द्वारा शहर के सभी वार्डों में स्वागत गेट बनाए जा रहे हैं और विभिन्न तरह के डिजाइन गेट पर बनाए गए हैं। शांति बिहार में भी गेट बनाया गया है, लेकिन उसमें कमल का फूल के डिजाइन बनाए हैं ये तय नहीं है। कांग्रेस बेकार में मुद्दा बना रही है और जिसके चलते आज बैठक में कई ऐसे विकासात्मक कार्य थे जिन पर चर्चा होनी थी, उस पर नहीं हो पाई, जो कि बड़े दुख की बात है। तो फिर हमारी नहीं चली, फिर क्या है? अगर अफसर सही करनी फिर करो, कौंसलर दूसरे का तो कोई मतलब नहीं करता। फिर पिछले 50-60-70 साल खड़े होकर नाले साफ करवाते थे, इनकी कोई ड्यूटी नहीं है। इनकी ड्यूटी माल पे घूमने की है, ये ड्यूटी है इनकी, ऑफिस में बैठने की ड्यूटी है। आप कुर्सी में तो ज्यादा भूल गई है, आपको पता नहीं किस कुर्सी बैठी है। मुद्दा मेरा कुछ नहीं है, मैं शांति बिहार वार्ड की 22 नंबर वार्ड की स्थानीय पार्षद हूँ। वहाँ गेट बना है, बहुत सुंदर गेट बना है, मेरा ही टेंडर लगा था, मेरा ही सब कुछ हुआ है, लेकिन उसमें जो बीजेपी के भाई साहब है उन्होंने उसमें बीजेपी का झालर लगा दिया, जो मैं उसको नहीं मानती हूँ, क्योंकि चिन्ह किसी को भी अधिकार नहीं है लगाने का, ना मैं कांग्रेस पार्टी को है ना बीजेपी पार्टी को है। मैं चाहती हूँ कि उसमें राष्ट्रीय ध्वज का झालर लगा जाए और उसको एक दो दिन का दिन हटाया जाए, और हम नहीं तो मैं स्ट्राइक पर बैठ जाऊँगी, मैं हाउस बिल्कुल नहीं चलाने दूँगी। क्या आपको विदित है सदन बैठक है, मासिक रूप से होती है, और कहीं विभिन्न स्थानों पर विभिन्न भागों में अलग अलग तौर पर गेट बनाए जा रहे हैं जो एक प्रवेश द्वार के रूप में बनाए जाएंगे, उसी तर्ज पर शांति विहार भाग में भी एक प्रवेश द्वार बनाया गया है। जो एक मुद्दा है उसमें कहीं ना कहीं एक झालर लगी है, जिसको लेके एक फेंसिंग वाला जो रहता है उस फेंसिंग में इनका मानना है, जो वहाँ के स्थानीय पार्षद है, कि उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का जो एक चुनाव चिन्ह है कमल का निशान वो उसमें लगाया गया, और कहीं ना कहीं एक कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं एक आम जन को और जो न्यूट्रल वोटर उसको रिझाने का प्रयास है, ऐसा हमारे पार्षद का मानना है। उसी संदर्भ में आज चर्चा हुई और विस्तृत तौर पर बातचीत हुई, परंतु महापौर इस विषय को मानने को तैयार नहीं। हमने उनसे स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए, जनता के विषय को हम आगे बढ़ाएंगे और जो ये विषय है इससे कहीं ना कहीं जनता का सरोकार नहीं है। जनता को गेट चाहिए था, उस गेट में कोई आवश्यकता नहीं है कि ठीक है कौन सी झालर लगती है, तो आप उसमें कहीं ना कहीं जो एक अनडिस्प्यूटेड सा एस्पेक्ट है, बहुत प्रकार के डिज़ाइन आते हैं, आप उनको लगाइए, और अगर आपको लगता है कि वो झालर कहीं ना कहीं या गुलाब के फूल की, जैसे कि वो खुद ही कह रहे हैं कि वो गुलाब का फूल है, ब्रास का फूल है, तो ठीक है उसके लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए। हमने उनसे यही मांग की है, परंतु उस मांग को मानने को तैयार नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है और जनता के मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं है। जो गेट का मामला है ये मतलब जिस तरह का आज हाउस पे उठा है ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। अब देखिए, जब भी कोई गेट बनाता है, जैसे मैं अभी टूटू भी गई, मंझाट भी गई, बहुत अच्छे पार्क बनाए, उसमें बहुत अच्छे डिज़ाइन लगाए हुए हैं, तो ये कन्फर्म नहीं है कि उसमें जो है कमल का फूल ही हो, क्योंकि ब्रास का फूल भी हो सकता है और दूसरा फूल भी हो सकता है। और मुझे आज बहुत दुख की बात इस बात की होगी, जो हमारी नेशनल
सबसे बड़ी राष्ट्रीय जो हमारी पार्टी है और उसके उसका जो फूल है वो इस तरह के जो चर्चा में आए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की तो बात है। देखिए आपको तो पता ही है कि जो अपोजिशन की होती है और कांग्रेस की जो पार्टी है, जिस इनको पता ही है कि हम दोबारा रिपीट नहीं हो सकते, क्योंकि जो काम 70 साल में पहली बार हमारी सरकार ने, हमारी केंद्र की सरकार ने और हिमाचल की सरकार के जो अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जी हैं, जो काम उन्होंने किए हैं वो 70 साल में नहीं हो पाए, तो इसलिए नेचुरली इनको दर्द तो होगा। आपने देखा होगा कि 34 वार्डों में एक जैसे काम हुए, तो क्या दुख की बात हुई कि आज भी इन्हीं के जो वार्ड के थे उनके उन्हीं के ही टेंडर लगे हुए थे, टूटीकंडी के 2 टेंडर थे हैं। तो अगर हम चाहते, अगर हम पार्टी पर जाते तो हाउस एडजॉइन करने के बाद हम वापस ना जाते, लेकिन नहीं, हम किसी भी पार्टी पर नहीं जाते हैं। और एम्बुलेंस रोड बनने चाहिए और वो बनेंगे, चाहे वो कांग्रेस का रास्ता हो चाहे बीजेपी का रास्ता हो।